कल एक बच्चा, कोई बच्चा भाग गया, भागने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बेटा भागने की जरूरत नहीं है, भागने की तो तब जरूरत है कि हम आपको जबरदस्ती इधर रख रहे, तो इसलिए भागना क्यों है? भागने से क्या है कि आप माँ बाप को इतने परेशान कर रहे हो और उनकी जो परेशानी का असर आपकी लाइफ पर होना है वो इतना बुरा होना है कि एटम बम भी वो बुरा नहीं कर सकता। जो माँ की नाराजगी आपके लिए वो आप सोच ही नहीं सकते हैं, और बाप की भी नाराजगी, ये दो चीज़ें अगर आपसे नाराज हैं तो आपकी पूरी दुनिया अंधेर है, पूरी दुनिया। आप इसको इजी मत लें। ये जो अल्लाह ताला ने हमें बख्श लगाए हैं, मुझे मेरे भाइयों को, ये सारे जो कंप्लीट अताअत थी माँ बाप की वो की है, उनकी दुआओं के बदले में अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। और माँ का तो मैं बार बार बताता हूँ, कुरान शरीफ में है कि अगर एक बच्चा ऐसे सिर्फ बैठ जाए कि माँ को ये घुमाओ कि ये गुस्ताखी में बैठा हुआ है, वह भी गुनाह कबीरा है, उसमें वो आता है, गुनाह कबीरा है और वो ना बख्शने वाला गुनाह है। एक बच्चा मर रहा था पहले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़ है, जान ही निकल रही है, उन्होंने कहा ये तड़प रहा है, जान ही निकल रही है, वो चले गए उधर, तो उन्होंने कहा ये बच्चा नाफरमान है माँ का, ये जब तक इसको माँ नहीं बख्शेगी इसकी जान नहीं निकलेगी। जब उन्होंने माँ को कहा कि आप इसको बख्श दें, आप नाराज़ हो, उन्होंने कहा मैं नाराज़ हूँ, बख्श दें, उन्होंने कहा मैं नहीं बख्शती हूँ, उन्होंने कहा नहीं बख्शती हो तो ये तो जन्म में जाएगा, उन्होंने कहा आग जलाओ, इसको आग में डालते हैं, आग जलाई, जब डालने लगे तो माँ का दिल तो आखिर नरम होता है, उसने कहा रुक जाएं, आग में न डालें, मैं इसको माफ़ करती हूँ, और उसी वक़्त वो सुकून में आ गया और उसकी जान निकल गई। ये माँ का इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ताला ने दिया, आपकी जान भी नहीं निकलेगी, तड़प तड़प कर मर जाओगे। जो माँ और बाप को नाफरमानियाँ और उनको परेशान करते हो, तो ये माँ बाप का हुक्म है कि आप इधर बैठकर पढ़ो और तवज्जो दो, वो बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं आप ऊपर, वो ये नहीं है कि इधर बड़े आसानी से आपको भेजा हुआ है, उनका भी दिल करता है कि हाँ हमारे पास हों, हम ख्याल रखें इनको, लेकिन उन्होंने आपके फ्यूचर के लिए, आपको अच्छी तालीम के लिए, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए उसलिए भेजा है। तो वो जो बच्चा इस तरीके से कोई हरकत करेगा कि उनको परेशान कर रहा है, वो उसके लिए तबाही के बगैर कुछ नहीं है, सिर्फ तबाही और बर्बादी है। डेढ़ साल, ये मैं ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा, ये मेरे अहकाम डराने वाले नहीं हैं, ये अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, इसलिए इन चीज़ों से बचें। और बचने का ये है कि अगर आप कोई परेशान है मुझे बताएं, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँ, मुझसे पूछ कर जाएँ, मैं आपको भेज दूंगा, छुट्टी भेज दूंगा,